इस कहानी की शुरुआत 1982 अंटार्कटिका से होती है, जहां हमें तीन नॉर्वेजियन टीम मेंबर को दिखाया जाता है जो एक सिग्नल का पीछा कर रहे थे। तभी एक जगह आते ही सिग्नल का ट्रांसमिशन बहुत ही तेज हो जाता है। तभी वहां की बर्फ खिसक जाती है, जिस कारण ये तीनों उसके अंदर फंस जाते हैं और ये मरते मरते बचते हैं। इसके बाद ये लाइट ऑन करते हैं, तभी ये इतने खुश हो जाते हैं। फिर ये बोलते हैं, इतने सालों के बाद अब जाकर उनको कुछ काम की चीजें मिली है। तभी यहां से सीन शिफ्ट होकर हम अमेरिका में एक पैलिंटोलॉजिस्ट केट लॉयड को देखते हैं, जो किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आकर बताता है कि उससे कोई मिलने आया है, जहाँ उसका दोस्त एडम फिंच अपने बॉस सैंडर के साथ में आया हुआ था, जो केट को किसी प्रोजेक्ट पर साथ चलने को पूछता है। केट सैंडर की खुशी देखकर समझ आती है जरूर उनको कुछ ना कुछ बड़ा हाथ लगा है, जिसके बाद ये सीधा उस रिसर्च सेंटर यानी कि अंटार्कटिका की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वो सीधा साइड की तरफ जाते हैं, जहाँ जाते ही उनको धक्का सा लगता है, क्योंकि वहाँ उनको एलियन स्पेसशिप मिला था, जिसको एडवर्ड 100 ईयर पुराना बताता है। इसके बाद ये सभी साइंटिस्ट उस एलियन बॉडी को देखते हैं जो बर्फ में जमा हुआ था, जिसको देखते ही केट डर जाती है, क्योंकि उसने आज तक ऐसी चीज कभी नहीं देखी थी। वो उसे जैसे तैसे निकाल लेते हैं। अब केट सीधा रिसर्च सेंटर जाती है, जहाँ केट मिलती है जोनस, कोलिन और लार्ड से, जहाँ ये डिस्कस करते हैं कि उस बर्फ में से उस क्रिएचर को बाहर कैसे निकाला जाए और इसके बारे में रिसर्च क्या क्या करनी चाहिए। अब अगले दिन इस एलियन बॉडी को बर्फ से निकालने लगते हैं। तभी एडवर्ड और सैंडर कहते हैं कि इस बर्फ के अंदर 30 mm होल ड्रिल किया जाए, ताकि वो इस एलियन की बॉडी टिश्यू के साथ में एक्सपेरिमेंट कर सके। तभी केट इसके लिए मना करती है। फिर सैंडर उसे बाहर ले जाकर डांट लगाता है और कहता है कि उसके बीच में वो फिर से कभी ना बोले। इसके बाद आइस के अंदर ड्रिल से एक होल किया जाता है और इस एलियन की बॉडी का टिश्यू ले लिया जाता है। उसी रात सभी इस डिस्कवरी के लिए सेलिब्रेट करने लगते हैं, जिस दौरान ग्रीकस केट के लिए ब्रांडेड अल्कोहल लेने बाहर जाता है। तभी जेमिसन इस आइस क्यूब को देखने के लिए जाता है। तभी हम देख पाते हैं कि ये आइस क्यूब पिघल रही है और देखते देखते जेमिसन के सामने ही इस आइस क्यूब को तोड़कर वो क्रिएचर सीधा बाहर की तरफ भाग जाता है। वो सभी ये देख परेशान हो जाते हैं और उनकी फटकर 464 हो जाती है। अब एडवर्ड और सैंडर सभी लोगों के साथ बाहर उस क्रिएचर को ढूंढने जाते हैं और ये सभी ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। अब उनको लार्ज का डॉग मरा हुआ मिलता है। तभी हेनरी और पोलक को वो क्रिएचर एक वुडन टावर के नीचे मिलता है। अचानक से वो क्रिएचर हेनरी को जान से मार देता है और हेनरी के खून के छींटे सीधा ओलव के चेहरे पे पड़ता है। फिर वो हेल्प के लिए चिल्लाता है। तभी सभी उसकी तरफ गोले चलाने लगते हैं और आग लगा देते हैं, जिस कारण वो क्रिएचर और हेनरी जल जाते हैं। इसके बाद उस क्रिएचर की ऑटोप्सी करते समय उनको समझ में आता है कि ये क्रिएचर हेनरी को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है। केट को उसके अंदर से एक रोड मिलती है। उसी वक्त बाकी के बोलते हैं कि हेनरी के एक हाथ में रोड थी, क्योंकि उसके बहुत टाइम पहले ही फ्रैक्चर हो गया था। केट बोलती है, ये रोड हेनरी के अंदर थी तो अब बाहर कैसे, जिस पे सभी लोग सोचने लगते हैं। इसके बाद में केट हेनरी के ब्लड सेल्स को चेक करती है, जिसको एडम भी देखता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो क्रिएचर तो मर गया है, लेकिन उसके सेल्स अभी तक जिंदा है, जो हेनरी के सेल्स को ऑब्जर्व कर रहा है। ये देख केट और एडम शोक हो जाते हैं। तभी ओलेव की तबीयत खराब होने लगती है। अब ओलेव को ग्रीक, सैम और डोरेक उसको हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। वहीं केट को वॉशरूम में कुछ डेंटल और शावर में बहुत सारा खून दिखाई देता है। तभी वो बाहर की तरफ भागती है और हेलीकॉप्टर को वापस आने के लिए सिग्नल देने लगती है। तभी ग्रीक देखते ही देखते एक भयानक क्रिएचर के रूप में बदल जाता है और ओलेव पर हमला कर देता है, जिस कारण वो हेलीकॉप्टर वहीं पर क्रैश हो जाता है। अब केट वापस देखती है कि शावर को ऑक्सीजन साफ कर दिया है। फिर केट पूरी टीम को बताती है कि हेनरी के सेल्स अभी भी जिंदा है और जलने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ। केट बोलती है, उसने क्रिएचर के डेंटल को देखा था, साथ ही वो क्रिएचर किसी मेटल को अब्सॉर्ब नहीं कर सकता, इसलिए तो वो रोड उसके शरीर से बाहर आ गई थी। फिर जूलियट केट को मदद करने को कहती है। वो केट को एक अबेंडेड रूम में ले जाती है, जहाँ वो स्नो केट की के बारे में बोल कर ले गई थी। तभी अचानक जूलियट क्रिएचर में बदल जाती है और केट पर हमला करने लगती है, लेकिन केट जैसे तैसे बच जाती है। लेकिन इस क्रिएचर के चपेट में कार्ल आ जाता है और क्रिएचर उसे ही मार देता है। अब लार्ड से एक फ्लेगन लाता है और इस क्रिएचर को जला देता है, जिसके बाद कार्ल और जूलियट को बाहर जलाकर बर्फ में दफना दिया जाता है। केट बोलती है, ये एलियन एक वायरस जैसा है और उन सबको अलग अलग रहना होगा, ताकि कोई इन्फेक्टेड ना हो। अब वो इस पूरी बेस की स्नो केट को खराब कर देते हैं, ताकि इन्फेक्टेड आदमी यहाँ से बाहर ना जा पाए और उनके फ्यूल को फ्लेगन में भर लेते
कहते हैं यहाँ उनके पास हथियार भी थे। उसी रात अचानक से ही सैम और डोरेक वहाँ पर बचकर आ जाते हैं, जो इम्पोसिबल था क्योंकि क्रैश हुई हेलीकॉप्टर से बचना नामुमकिन था। वहाँ पर सभी बोलते हैं ये क्रिएचर है और इनको मार दो, लेकिन केट उन पर यकीन करती है और उन दोनों को आइसोलेट कर देती है क्योंकि केट इतना रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अब एडम और सैंडर ब्लड टेस्ट पर काम कर रहे थे। जैसे ही 2 मिनट के लिए एडम बाहर जाता है तभी कोई उनके लैब को पूरी तरह जला देता है, जिसे देख सब लोग एडम पर हिंसा करने लगते हैं, पर केट उनको शांत करती है और एक सिंपल सा टेस्ट बताती है। अब इसके बाद वो सभी जिनके दांतों में डेंटल फिलिंग होगी वो तो आदमी सही है, और जिनके दांतों में डेंटल फिलिंग नहीं होगी यानी कि वो वायरस से इन्फेक्टेड है। यहाँ पर सैडर एडवर्ग एडग और कोरेन के दांतों में फिलिंग नहीं थी तो इन पर ज्यादा शक था। अब लार्ज और डोनस कार्टर और डोरे को टेस्ट के लिए बाहर लेने जाते हैं। तभी लार्ज को कोई बिल्डिंग के अंदर खींच लेता है। फिर सैम और डोरे बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और पीटर को शूट कर देते हैं, जिस कारण टैंक के अंदर होल हो जाता है और तभी वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, जिस कारण एडवर्ड वहीं बेहोश हो जाता है। अब एडवर्ड को रूम में ले जाते वक्त तभी एडवर्ड का एक हाथ अपने आप ही उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और क्रिएचर के रूप में बदल जाता है, जिस कारण डोनस इन्फेक्टेड हो जाता है। ये क्रिएचर डोरे को मार देता है और ये एडम के साथ में जाकर अपने आप को जोड़ लेता है, जिसे इसके 2 मुख और 4 पैर वाला क्रिएचर बन जाता है। अब केट और जोनेस एड को जला देते हैं, तभी ये क्रिएचर वहाँ से भाग जाते हैं और ये सैंडर को भी इन्फेक्टेड कर देते हैं। ऐसा हम एक परछाई के अंदर देखते हैं। अब केट और सैम इस क्रिएचर को ढूंढने लगते हैं, तभी उनको एडवर्ड का हाथ नजर आता है, वो उसको काट देते हैं और जला देते हैं। वहीं वो सभी क्रिएचर सभी जगह जाकर केट और सैम को ढूंढने लगते हैं, तभी केट उनको जला देती है। वहीं वो देखते हैं कि सैंडर स्नो केट को सही कर वहाँ से भाग रहा है। फिर केट और सैम भी उनके पीछे करने लगते हैं। केट अपने पास में एक ग्रेनेड ले लेती है। अब वो स्पेसशिप के पास पहुँचते ही वो उसके ऊपर चढ़ने लगती है। वो दोनों देखते हैं कि स्पेसशिप को किसी ने स्टार्ट कर दी है और उसके सारे इंजन स्टार्ट हो चुके हैं, जिस कारण केट का पैर फिसल जाता है और वो उस स्पेसशिप के अंदर चली जाती है और सैम उसको देखते ही रह जाता है। फिर वो भी स्पेसशिप के अंदर चला जाता है केट को बचाने के लिए। वहीं स्पेसशिप में केट के पीछे वो क्रिएचर सैंडर के रूप में आता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी केट मौका पाकर एक जगह पर छुप जाती है, लेकिन केट का ग्रेनेड वहीं पर गिर गया था। अब ये क्रिएचर केट को जैसे तैसे पकड़ लेता है और बाहर की तरफ लाने की कोशिश करता है, जिस दौरान केट ग्रेनेड को वापस हाथ में ले लेती है और उस एलियन के माउथ में डाल देती है। तभी सैम भी वहाँ पर आ जाता है। वो दोनों बाहर की तरफ तेजी से भागने लगते हैं, तभी वो एलियन खत्म हो जाता है। वो दोनों बाहर आकर चैन की सांस लेते हैं। तभी केट सैम से बोलती है, वो जानती है वो इन्हीं एलियन में से एक हो चुका है, क्योंकि एलियन नॉन मटेरियल को कॉपी नहीं कर सकता। और सैम के कान में एक इयर रिंग थी। तभी सैम अपने कान में हाथ लगाता है, तभी केट बोलती है उस कान में नहीं दूसरे कान में थी। और तभी केट दुखी होकर सैम को वहीं जला देती है और वे वहीं मारा जाता है। अब केट एक स्नो केट में दुखी बैठी हुई थी, क्योंकि फायर गन में जो फ्यूल था वो लास्ट था और वो अब पास के स्टेशन पर नहीं जा सकती थी। साथ ही साथ उसको वहाँ का रास्ता भी नहीं पता था, जिस कारण वो रोने लगती है और अब केट भी मारी जाती है। अब एक सीन में नॉर्वेजियन का दूसरा हेलीकॉप्टर इस रिसर्च सेंटर की तरफ आता है। तभी हम बाहर लार्ज को आता देख पाते हैं, जो मेटियास पे गोली चलाने लगता है। इसके बाद वो मेटियास के दांतों को चेक करता है, जो बिल्कुल सही था यानी कि वो इंसान था। तभी लार्ज अपने डॉग को भागता हुआ देखता है। तभी मेटियास बोलता है, वो तुम्हारा डॉग नहीं बल्कि वो अभी एक क्रिएचर है। इसके बाद में वो दोनों अपने हथियार लेकर हेलीकॉप्टर पर भेज जाते हैं और उस डॉग को मारने के लिए चल देते हैं। और इसी के साथ ये सेकंड पार्ट यहीं पे खत्म होती है। अब बाकी के पार्ट जल्द ही आ जाएगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।